शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति क्रोध शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 जय भावचंद्र गुप्त
आचार्य उत्कृष्ट भारत विजयी भव आचार्य आप पक्षपात कर रहे हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में कुछ और भी छात्र हैं जो आपके स्नेह के पात्र है। उदयन कुछ और भी नहीं सभी मेरे स्नेह के पात्र हैं। व्यक्ति नगर में प्रवेश न करे। कोई नायक है तुम्हारा? हम आपके शरण आए हैं हमारी करुण कथा और व्यथा तक्षशिलाधीश तक पहुंचाने की प्रार्थना है। आप सब यही प्रतीक्षा करें। बिना आज्ञा के कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश न करे। तक्षशिलाधीश क्या आवश्यक सूचना लाए हो तटरक्षक? तक्षशिलाधीश एक नए प्रकार की विपत्ति राज्य पर आ पड़ी है। पश्चिम की ओर से बड़ी भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष तक्षशिला की ओर शरणार्थियों के रूप में आ रहे हैं। सिंधु के तीर पर अनेकों छोटी छोटी नौकाएं निरंतर आ रही हैं। किसी अलक्षेंद्र नामक योद्धा के आक्रमणों से ग्रस्त एवं भयभीत हो शरणार्थी हिंदू कुश को लांघकर सिंधु को पार कर वाहिक खंड में शरण प्रार्थी की अभिलाषा व अभ्यर्थना सहित आए हैं। क्या अंबी कुमार को इसकी सूचना दी जा चुकी है? संभवतः अंबी कुमार भी इस समस्या से परिचित हैं। पौर सभा का निर्णय आने तक शरणार्थियों की रक्षा की जाए पर उन्हें नगर में प्रवेश न दिया जाए। प्रणाम कुमार। क्या सूचना है? अलक्षेंद्र को आपका प्रस्ताव स्वीकार है। शशिगुप्त के शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होने की संभावना है। अब अधिक विलंब ना हो, शीघ्राति शीघ्र मेरी व शशिगुप्त की मंत्रणा की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा कुमार। आप जा सकते हैं।
कुमार, क्या कोई गुप्त मंत्रणा हो रही थी? नहीं, मैं न जाने क्यों मुझे तुझ पर अविश्वास हो रहा है। मुझसे सावधान रहना कुमार। क्या हल ढूंढा है तुमने शरणार्थियों की समस्या का? और सभा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं पिताजी। निर्णय जो भी हो, मुझे सूचित करने का दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं कुमार। और सभा में उपस्थित कुलमुखियों व तक्षशिला के गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशिला के समक्ष उपस्थित पश्चिमी देशों से निरंतर आने वाले शरणार्थियों की समस्या को लेकर महाराज आंभीराज के विशेष आग्रह के कारण आज की यह पौर सभा का अधिवेशन बुलाया गया है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि पश्चिम की ओर से भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष पार्स हरणवती बाख्तरी आदि देशों से प्रतिदिन पश्चिमी भारत की नगरियों में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। शरणार्थियों का कथन है कि यहां से हजारों योजन दूर यवन देश का एक महान योद्धा अलक्षेंद्र मिस्र पार्स बाख्तरी हरणवती शकस्थान आदि देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। जो भी उसके सामर्थ्य को चुनौती देता है उसे धूल में मिला दिया जाता है। उसी यवन अलक्षेंद्र ने इन शरणार्थियों के घर बार उजाड़ दिए। उसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर इन्हें अपनी मातृभूमि को त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अनिश्चित भविष्य से भयभीत, अपनी मातृभूमि का त्याग करने की व्यथा से पीड़ित, भूख और अभाव से ग्रस्त ये शरणार्थी आपके समक्ष दया कृपा और सहयोग की अपेक्षा लेकर आए हैं। उन्हें शरण देना या न देना आपके मानवीय दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसी संदर्भ में कुलमुख अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित हैं। शरणार्थियों को आश्रय देना हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा का निर्वाह करने में हमारा लाभ भी है। शरणार्थियों के पुनर्वसन से एक तो तक्षशिला का श्रमिक बल बढ़ेगा और दूसरे वे शरणार्थी ही तक्षशिला के शिल्पियों कर्मियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता भी होंगे। इस प्रकार तक्षशिला में व्यापार का विकास ही होगा। इसके अतिरिक्त इस मानवतावादी कार्य से दो राष्ट्रों के भावी संबंधों में विकास भी होगा। शरणार्थियों को आश्रय देने के मानवतावादी कृत्य का मैं समर्थन करता हूँ। बंद करो परंपरा और मानवता की बातें। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरी ग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा हुआ जर्जरित दिखाई देगा। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी और धरती का कोई मानवतावादी उन संघर्षों के लिए उठी तलवारों को नहीं रोकेगा। कल यही शरणार्थी आपके साथ पौर सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। धर्म व जाति के नाम पर परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरी ग्रवा। जहां तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म अलग, हमारी भाषा अलग, हमारा व्यवहार अलग। कल इन्हीं भेदों के नाम पर भेदभाव होगा और संघर्ष होगा। हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते तो क्या वे अपनी परंपरा छोड़ेंगे? कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। तब आपका मानवतावादी हृदय उन पर हथियार उठाने में संकोच महसूस करेगा। क्या पौर सभा मुझे आश्वासन दे सकती है कि कल शरणार्थियों के कारण गांधार खंडित नहीं होगा? क्या कोई पौर मुझे आश्वासन दे सकता है
कि कल यही शरणार्थी अपनी मातृभूमि लौट जाएंगे? क्या पौर सभा स्वयं आश्वस्त है कि शरणार्थियों के पुनर्वसन के नाम पर शासन तक्षशिला की प्रजा पर नवीन करों का बोझ नहीं लादेगा? सभा अध्यक्ष उत्तर दे। क्या सभा अध्यक्ष तक्षशिला के नागरिकों को वचन दे सकते हैं कि शासन शरणार्थियों का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभों के लिए उपयोग नहीं करेगा? मैं सभा व उपस्थित नागरिकों से पूछता हूँ कि क्या केवल अस्तित्वहीन भविष्य के भय से हम विषपाई शिव की परंपरा को तोड़ दें? क्या दधीची और शिवी की स्मृति हमारे मानस से लुप्त हो चुकी है कि हम अपनी ही परंपराओं को तोड़ने का आवाहन करें? शरण वही दे सकते हैं जिनमें सामर्थ्य होता है। क्या हम में सामर्थ्य नहीं है? स्वेच्छा से विष वही पीता है जिसमें विष को पचाने का साहस होता है। क्या विषपायों के वंशज नहीं है हम? क्या अपनी ही अस्थियों को देकर अपनी परंपराओं को जीवित रखने का आग्रह खो चुके हैं हम? अध्यक्ष, आप भावुक हो रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यदि इनमें कोई अलक्षेंद्र का गुप्तचर निकला तो? भेदी तो घर में भी हो सकता है। यदि तक्षशिला का कोई नागरिक ही भेदी हुआ तो? निर्णय संभावनाओं पर नहीं होता। देखूंगा, अवश्य देखूंगा। जब कोई अलक्षेंद्र तुम्हारी परंपरा पर आक्रमण करेगा तो कैसे अपनी परंपराओं की रक्षा करते हो? अंबी कुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत है श्री गुप्त। स्वागत है कुमार। बड़ी प्रतीक्षा करवाई तुमने श्री गुप्त। ये हमारे यवन मित्र हैं। हम अपने यवन मित्र का स्वागत करते हैं। क्या अलक्षेंद्र को हमारी शर्तें स्वीकार है? यदि आपने अलक्षेंद्र की शरणागति स्वीकार की तो? प्रस्ताव मैंने संधि का रखा था, शरणागति का नहीं। दोनों ही स्थितियों में अलक्षेंद्र आपके मित्र होंगे। यदि मैं दोनों ही स्थितियों को अस्वीकार कर दूं तो? निर्णय आपको करना है। यदि आपने अलक्षेंद्र की मित्रता स्वीकार की तो अलक्षेंद्र द्वारा भारत के विजित राज्यों के आप क्षत्र होंगे। यदि अलक्षेंद्र को मेरी मित्रता स्वीकार है तो मैं उनके लिए तक्षशिला के द्वार खोल दूंगा, परंतु उनके अन्य मित्रों में आम्भी का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वीर अलक्षेंद्र अपने मित्र आम्भी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होंगे। मैं आपके विचार अलक्षेंद्र तक पहुंचा दूंगा। यवन योद्धा, अलक्षेंद्र से कह देना
कि आम भी अपने मित्र का स्वागत करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। क्या मैं ये मान लूं कि आपको अलकचंद्र की मित्रता स्वीकार है? यदि अलकचंद्र को कोई आपत्ति ना हो तो। प्रणाम तक्षशिलाधीश। किसी भयंकर षड्यंत्र का सूत्रपात अंबी कुमार कर रहे हैं देव। सत्य कह रहे हो? प्रमाण अपनी आंखों से देख लीजिए महाराज। से पूछ रहा हूं अंबी, कौन था वो यवन? वीर अलकचंद्र का दूत था। यहां क्यों आया था? अलकचंद्र ने तक्षशिला की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। योद्धा हाथ बढ़ाते नहीं, योद्धा हाथ उठाते हैं अंबी। बिना मृत्यु का आह्वान किए जब कोई योद्धा मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो वो मात्र राजनीतिक समझौता होता है। क्या तुमने अलकचंद्र की मित्रता स्वीकार की? तक्षशिला के हित में मैंने अलकचंद्र के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। तक्षशिला के हित का विचार करने के लिए अंबिराज अभी जीवित है कुमार। अपने स्वार्थों को तक्षशिला के हित का नाम मत दो। तुम्हारे थड़ पर अभी तक सिर है, इसलिए पूछ रहा हूं कि मित्रता के नाम पर किसकी बलि चढ़ाई जाएगी? किसका मस्तक दांव पर लगाया है तुमने अपने मस्तक की रक्षा के लिए? तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवन सैनिकों की ठोकरों में गिरने से बचाया है मैंने पिताजी। यदि तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था तो मुझे कहा होता। मैं थाल में अपना भाल सजाकर अलकचंद्र को उपहार के रूप में भेजता, पर मैं इस राजनीतिक मित्रता को स्वीकार नहीं करता। क्या कीमत चुकाई है तुमने तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवनों की ठोकरों से बचाने की? मैंने अलकचंद्र के लिए तक्षशिला के द्वार खोल दिए हैं पिताजी, ताकि वो सुगमता से तक्षशिला की धरती को रौंदता हुआ केकय प्रदेश एवं संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर सके। मूर्ख, तूने अपना मस्तक बचाने के लिए भारत का मस्तक उसके हाथ में रख दिया है। जा, जिसके पहले वो अलकचंद्र तक पहुंचे, रोक उस यवन को, या तलवार ले, भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हो। यवनों को किसी भी स्थिति में रोक पाना असंभव है। उसका निर्णय करने में भारत के अन्य जनपद सक्षम है, पर हम भारत के सीमा रक्षक हैं, इसलिए मरने का पहला अधिकार हमारा। तक्षशिला एक स्वतंत्र राष्ट्र है पिताजी, और वो अपने हित अहित का निर्णय स्वयं देने में सक्षम है। तक्षशिला भारत का अविभाज्य अंग है। जनपदों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से वो राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा से कट नहीं जाता। अंधी, हम सीमा प्रदेश के रक्षक हमेशा भारत के प्रति उत्तरदायी थे और हमेशा उत्तरदायी रहे। यदि तुझमें सीमाओं की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है तो केकय और अभिसार से सहायता मांग, पर कुल की परंपरा को कलंक मत लगने दे। परंपराओं की दुहाई मत दीजिए पिताजी। कहां गई थी आपकी राष्ट्रीय परंपराएं जब केकय ने तक्षशिला पर आक्रमण कर तक्षशिला का अपमान किया था? तब आपके राष्ट्र का कोई भी सपूत केकय के विरोध में नहीं खड़ा हुआ था। केकय ने तक्षशिला पर नहीं, पर कुमार आंभी के गर्भ पर आक्रमण किया था। आंभी कुमार, तुम वैमनस्य व द्वेष से पीड़ित हो। आंभी, हाँ, मैं वैमनस्य द्वेष से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं केकय द्वारा किया गया मेरा अपमान आज तक नहीं भूला। अपने झूठे अहंकार के कारण तू राष्ट्र का द्रोह करने जा रहा है। आंभी, जिसे आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं वह भविष्य में अलकचंद्र द्वारा भेजित समस्त जनपदों का स्वामी बनने जा रहा है पिताजी। तो तू अलकचंद्र की रक्त लिप्सा में अलकचंद्र का साथ देगा? उसकी संभावनाएं ही अधिक हैं। सैनिकों, आम्बी को बंदी बनाया जाए। मैं अंबिराज तुम्हें आम्बी को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। आइए पिताजी,
व्यामी के पिता होने के कारण आपका आदर करेंगे, परंतु आपके आदेशों का पालन नहीं। प्रकार का विद्रोह हो तो उसे निर्ममता पूर्वक कुचल देने का आंबी कुमार का आदेश है, एवं तक्षशिला के नागरिक आंबी राज का साथ न दें इसका ध्यान रखा जाए। आंबी राज अभी तक स्वतंत्र हैं, पर यदि आंबी राज आंबी कुमार का विरोध करें तो उनके साथ भी राजद्रोही का व्यवहार किया जाए। पिताजी, पिताजी, राजनीति में पिता का स्थान भी नगण्य होता है आंभिराज। अभी शब्द है तू तक्षशिला कि तुझे शकुनी और आंभी जैसे शासक मिले। राष्ट्र पर आक्रमण की मंत्रणा हो चुकी है और तू उससे अनभिज्ञ है तक्षशिले। तेरी कोख में पले तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और वे अभी तक जीवित हैं। पिताजी, पिताजी, कल ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, मनस्वियों की, त्यागियों की भूमि, वीरों की भूमि यवनों के पैरों तले कुचली जाएगी। क्या दशरथ पुत्र भरत के पौत्र तक्ष द्वारा बसाई गई नगरी कल यवनों के अधीन होगी? मार्ग पर जाते देखा था? संभवतः तक्षशिला की ओर गए हैं। इसी शिलाखंड के पास यज्ञ कर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इंद्र को भी ललकारा था, तो क्या हम यवनों को नहीं ललकार सकते? मैं राम के कुल की भूमि यवनों के अधिकार में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता अपने ही वंशजों और पुत्रों का पतन। गांधारी ने तो आंख पर पट्टी चढ़ा ली थी, पर मैं जीवित भी नहीं रहूंगा। प्रभो, मेरे कुल को पतन से बचा, मेरे पुत्र को राष्ट्रद्रोही होने से बचा। मेरे पूर्वजों का पुण्य शेष हो तो प्रभो मेरे राष्ट्र को यवनों के हाथों से बचा। पिताजी,
हो सके तो हम ही को रोक लो। पिताजी तेरे सहोदर ने यवनराज अलक्षेंद्र के साथ संधि की है। यवन शीघ्र ही तक्षशिला के भूमि से कूच करेंगे। केकई को सावधान कर, केकई को सावधान कर। क्या भारत का पतन होगा? कौन करेगा भारत की रक्षा? क्या जनपदों की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर यह राष्ट्र एकजुट होकर अलक्षेंद्र के आह्वान को स्वीकार करेगा? क्या पूर्व वैमनस्य से ग्रसित जनपद इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक सूत्र में बंध पाएंगे? क्या जनपदों का पारस्परिक संघर्ष और आंभियों को जन्म देगा? यदि क्षेत्रीय संघर्ष और स्वार्थ के गर्भ में किसी और आंभी ने जन्म लिया तो क्या यह राष्ट्र अपने गौरव की रक्षा कर पाएगा? क्या भारत की अजेय संस्कृति अविजित रहेगी? क्या आक्रांताओं के समक्ष यह राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाएगा? या आक्रांताओं के प्रहार से यह राष्ट्र खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा? कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है? उत्तिष्ठ विष्णुगुप्त, राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका
तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ और सोए हुए भारत को जगा। हर हर महादेव, 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 हर महादेव। ये निश्चित है कि वे गुरुकुल के छात्र ही थे? हाँ तक्षिलाधीश। तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? उन्हें रोकने का कोई आपत्तिजनक कारण नहीं था। क्या गुरुकुल के छात्रों ने ही तक्षशिला के राजमार्गों व वीथियों पर स्थान स्थान पर ध्वजारोहण किया है? किस भावना से प्रेरित था उनका यह दुस्साहस? अम्बी कुमार को गुरुकुल में उपस्थित होने के लिए आदेश देने का यह एक उपाय था। कौन है वह जो तक्षशिलाधीश अम्बी को आदेश देना चाहता है? कौन है वह? सामने क्यों नहीं आता? आपने आदेश दिया था आचार्य? आदेश गुरुकुल ने दिया था अम्बी कुमार। तक्षशिलाधीश को आदेश देने की इस अभिनव पद्धति पर मुझे आश्चर्य हो रहा है आचार्य। क्या अर्थ है इस प्रकार तक्षशिला की चप्पा चप्पा भूमि पर ध्वज फहराने का? क्या किसी में साहस नहीं है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? अपने ही भूमि पर अपने ही राष्ट्रीय ध्वजों को देखकर आश्चर्य होता है कुमार, पर जब अपनी ही भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा अम्बी कुमार? ओ, तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा आचार्य? प्रश्न जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है कुमार? तो क्या मैं ये समझूं कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपनी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का अम्बी कुमार यदि विद्रोह कहते हैं तो मेरा उनसे मतभेद है। मुझे आपके मतभेदों की परवाह नहीं है आचार्य। पर मैं अपने राष्ट्र की परवाह करता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आततायी व विध्वंसकारी अलक्षेंद्र का साथ न दें। अलक्षेंद्र आततायी नहीं है आचार्य, वह विश्व विजय के लिए निकला देवपुत्र है। पाश्चात्य जगत ने तो धरती को सिर्फ एक ही देवपुत्र दिया है, पर यह वह भूमि है जिसने करोड़ों देवपुत्रों को जन्म दिया है। यह वह धारा है जहाँ मानव को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है। हम देवों के ही तो वंशज हैं,
अतातताइयों की पार्श्विक क्रीड़ा से इस भूमि को कलंकित मत होने दो अम्बी कुमार। आप मेरा व देवपुत्र अलक्षेंद्र का अपमान कर रहे हैं आचार्य। अपने मान अपमान के प्रति सजग अम्बी कुमार राष्ट्र का अपमान करने जा रहे हैं, क्या इसका अम्बी कुमार को ध्यान है? तक्षशिला मेरी भूमि है आचार्य, और इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए मैं किसी के भी आदेशों से बाध्य नहीं हूँ। तक्षशिला की पग पग भूमि भारत की थाती है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता अम्बी कुमार। आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं आचार्य। जाओ अपने षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा करो अम्बे। मेरी भूमि पर मुझे आदेश देने वाले आप कौन हैं? ठहरो, काल का आवाहन अभी बाकी है। जाओ अम्बी कुमार, एक दिन तुम्हें गुरुकुल की सत्ता का परिचय मिल जाएगा। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ अम्बी कुमार, जाओ। नमो अस्तु नीलग्रेवा।